बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और जयपुर से आरसी गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं अपना सवाल पूछने के लिए। नमस्ते गुप्ता जी, बताइए क्या समस्या आ रही है। मैं पेंशनर हूँ, मेरी वार्षिक इनकम पेंशन और इंटरेस्ट से 5 लाख कर देती हूँ। एक मैंने HUF का करता हूँ, मैं अपनी बैंक फिक्स डिपॉजिट HUF में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। क्या HUF में मेरी जो ट्रांसफर इनकम होगी उसकी जो इंटरेस्ट मिलेगी वो इंटरेस्ट मेरे HUF मेरे में मेरे मेरे इनकम में शामिल होगी या HUF की इनकम होगी? अगर इंटरेस्ट इनकम मेरी इनकम में क्लब होगी तो मैं बैंक डिपॉजिट HUF में ट्रांसफर किस तरह से करूं वो मेरी इनकम में क्लब नहीं हो। आशीष जी, मैं आपका प्रश्न समझ पाया हूं। आप चाहते हैं कि आपके पास जो FD है जिससे इंटरेस्ट आता है वो आप अपनी HUF में ट्रांसफर करना चाहते हैं, गिफ्ट करना चाहते हैं। तो नॉर्मली वैसे अगर एक साल में 50,000 से ज़्यादा की गिफ्ट किसी को मिलती है तो उनके हाथ में टैक्सेबल होती है, परंतु अगर HUF के मेंबर अगर HUF को गिफ्ट देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस पर 56(2) में वो रिलेटिव की परिभाषा में आते हैं, तो न तो आपको कोई टैक्स लाइबिलिटी आएगी न HUF को टैक्स लाइबिलिटी आएगी। परंतु जैसे आपका प्रश्न है कि ये ट्रांसफ़र करने के बाद में इस पर जो FD पे इंटरेस्ट आएगा उसका क्या होगा, तो जो सेक्शन 64 है इनकम टैक्स एक्ट का, उसके हिसाब से अगर HUF का मेंबर कोई भी असेट HUF को ट्रांसफ़र करता है तो उससे जो इनकम आती है वो जिसने ट्रांसफ़र की है उनकी इनकम में ऐड होगा। तो आपको ये ट्रांसफ़र करने से आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करने का जो पर्पज़ है वो सर्व नहीं हो पाएगा। तो मेरा सुझाव है कि आप HUF में ट्रांसफ़र नहीं करिए, आपके दूसरे कोई फैमिली मेम्बर हो जिनकी या तो टैक्सेबल इनकम नहीं हो या लोअर स्लैब पे अगर टैक्स होता हो तो आप उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो न तो गिफ्ट टैक्स लगेगा और अगर जिनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो माइनर नहीं है, मेजर है, तो क्लबिंग के प्रोविजन वगैरह भी नहीं आएंगे। परंतु HUF में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो इनकम अल्टीमेटली आपके हाथ में टैक्सेबल बनेगी।